फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट टू। मैं इसमें अपने ये स्क्वायर योग के साथ मैं इसके नीचे आपको फ्रॉग का डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ, जैसे मैंने पार्ट वन में आपको मेंशन किया था। ये मेरा स्क्वायर योग जो है इस वक्त, इसकी हाइट ऑलमोस्ट 10 इंच है। ये ऑलमोस्ट 10 है, 9.5 काउंट कर लें। मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो में पार्ट वन में जो स्क्वायर योग बनाया था उसमें बोला भी था कि 9 से 10 के दरमियान हमारे 6 से 7 ईयर्स के बच्चे की योग का हाइट होती है। तो ये मैंने अब बना लिया हुआ था पार्ट वन में। पार्ट टू में मैं अब बनाना सिखा रही हूँ कि इसके नीचे हम लोग किस तरह से फ्रॉग बनाएंगे। और एंड मैंने जो है ये इसी पे किया है। ये डबल क्रोशे की जो लाइन आ रही है, ये जो रो था, इसी रो पे मैं एंड करूँगी क्योंकि इसी पे मैं डिज़ाइन बनाऊँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखें, मेरा लास्ट वीडियो में यहीं पर एंड हुआ था। मैं वही सब कुछ यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हुई है तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं 3.00 का क्रोशे हुक और ये एक्रेलिक यार्न है, अलसाइड वालों की क्रिस्टल यार्न भी कहते हैं, और ये बहुत बारीक है, मुझे अच्छी भी बहुत लगती है। ये हल्की होती है, ये आप पहन सकते हैं, बहुत गर्मी गर्मी भी नहीं लगती है इसके अंदर। तो स्टार्ट करना है, ये मैं फ्रंट जो मेरा है योक उसके फ्रंट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखें मेरे बाजू के साइड से जो है ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहीं पे मेरा एंड हुआ था, मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप लोगों का भी आगे पीछे एंड हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप या तो कट करके यहाँ से स्टार्ट कर लें, यानी कि ये देखें पहला जो मेरा ये है फ्लावर, इसी के ऊपर से स्टार्ट कर रही हूँ। नहीं तो आप जहाँ पर है वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो डिज़ाइन है वो फ्रिल वाला, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसका कहाँ पे फूल बैठ रहा है। तो चलें मैं बताती हूँ। चल, राउंड वन इसका है, चेन थ्री, ये काउंट करती है डबल क्रोशे। नेक्स्ट टू स्टिचेस पे मैं एक एक डबल क्रोशे बनाऊंगी। वन टू, फिर चेन फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। मैं टू स्टिचेस लीव करके थर्ड स्टिच पे सिंगल क्रोशे बना रही हूँ। फिर वन टू थ्री फोर फाइव, टू स्टिचेस लीव की, वन टू, और थर्ड स्टिच में मैं डबल क्रोशे बना रही हूँ। और थर्ड स्टिच के साथ ये मैंने ये एक डबल क्रोशे बनाया है, मैं दो और फिर एक और थर्ड डबल क्रोशे भी बनाऊँगी। उसके बाद चेन वन, मैं एक स्टिच लीव करूँगी नेक्स्ट स्टिच पे, फिर से तीन डबल क्रोशे, वन टू और ये थ्री। फिर उसके बाद चेन फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, दो स्टिच लीव की थर्ड स्टिच पे सिंगल क्रोशे, वन टू थ्री फोर फाइव, टू स्टिच लीव की, ये तीन स्टिचेस पे तीन डबल क्रोशे, वन टू और थ्री। चेन वन, एक स्टिच लीव की नेक्स्ट थ्री स्टिचेस पे वन डबल क्रोशे ईच, वन टू और ये थ्री। तो हमने यही डिज़ाइन बनाते हुए जाना है। इसी तरह थ्री डबल क्रोशे, फाइव चेन, दो स्टिचेस लीव की, वन सिंगल क्रोशे, फिर दो स्टिचेस लीव की, फाइव चेन, थ्री डबल क्रोशे, वन चेन, चेन एक स्टिच लीव की, थ्री डबल क्रोशे, और यही चीज़ जो है हम ऑल द राउंड लेकर जाएंगे लास्ट पूरे एंड तक। ओके, ये मेरी क्योंकि स्टिचेस कम पड़ गई हैं तो मैं एक स्टिच लीव करके अब मैं एंड पर हूँ। मैं दो की बजाय एक स्टिच पे एंड कर लीव करके सिंगल क्रोशे बनाऊँगी। चेन फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, और मैं एक स्टिच लीव करके नेक्स्ट स्टिच पे तीन डबल क्रोशे बनाऊंगी, एक दो तीन, चेन वन, और ये मैं स्लिप स्टिच करूंगी अपने थर्ड चेन में। मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। अगर ऐसा कभी हो तो आप या तो इस तरफ कर दें, या फिर ये क्योंकि मेरे तो वैसे भी बगल के इसमें आ रहा है,
अंडर आर्म में आ रहा है तो ये इतना नज़र नहीं आएगा। तो अगर एक आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मैंने पहले भी कहा था कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, स्टिचेस के ऊपर नीचे हो जाता है। तो अब राउंड नंबर हम 2 बनाने लगे हैं। राउंड 2 में चेन 3 बनाएंगे हम। 1 2 3 काउंट होता है डबल क्रोशे, नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे डबल क्रोशे, 1 और ये 2। उसके बाद चेन 3, 1 2 3। ये जो पहली चेन स्पेस थी 5 की, उसके अंदर मैं एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, फिर 1 2 3, नेक्स्ट चेन स्पेस पे मैं सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, एक मिनट, फिर 1 2 3 यार्न ओवर किया और इन तीनों डबल क्रोशे पे एक डबल क्रोशे मैं बनाऊंगी इस तरह। अब लास्ट राउंड में मैंने चेन 1 स्पेस दी थी, इस राउंड में मैं चेन 2 स्पेस दूंगी और फिर से वंस अगेन 3 डबल क्रोशे तीनों प्रीवियस स्टिचेस पे, फिर से 1 2 3 और वही चेन 5 स्पेस पे एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3, नेक्स्ट चेन 5 स्पेस पे सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 तीन डबल क्रोशे की जो स्टिचेस थी प्रीवियस उसके ऊपर 3 डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3। बस इसी तरह हमने बनाते हुए जाना है पूरा एंड तक, और यहाँ पे 2 चेन बना कर इसको स्लिप स्टिच करना है थर्ड चेन पे। नंबर 3, चेन 3, यही 2 डबल क्रोशे में बनाऊंगी, फिर 1 2 3 4 5, ये जो बीच वाला मेरा स्पेस है इसमें मैं सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 यार्न ओवर किया, तीनों डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2 और 3, 1 2 3 4 5। अब मैं 2 चेन स्पेस की बजाय 5 चेन स्पेस दूंगी और फिर से 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2 और ये 3, फिर से 1 2 3 4 5 मिडल वाली स्पेस में सिंगल क्रोशे, 1 2 3 3 4 5 और 3 डबल क्रोशे एक साथ। तो ये अब हमने इस तरह से रिपीट करते हुए जाना है अपनी, यहाँ पे 5 चेन बना के थर्ड स्टिच पे थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करके राउंड एंड करना है, और फिर से ये 3 डबल क्रोशे हम बनाएंगे और स्टार्ट नया रो स्टार्ट करेंगे राउंड नंबर 4। राउंड 4 ये मैंने बना लिया है 3 डबल क्रोशे, क्योंकि हमेशा यहीं से स्टार्ट होता है। उसके बाद 2 चेन, 1 2, ये जो 5 चेन स्पेस थी इसके अंदर सिंगल क्रोशे, 1 2, नेक्स्ट 5 चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे, फिर 1 2, ये तीनों डबल क्रोशे बनाएंगे हम, 1 2 3, फिर 1 2। अब ये जो 5 चेन थी इसकी थर्ड चेन में मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2, ये थर्ड वाली चेन में मैं ऐसे ऐसे करके डबल क्रोशे बनाऊंगी, फिर 1 2 3 और सेम स्टिच चेन में फिर से एक और डबल क्रोशे, यानी कि वी स्टिच जो होती है डबल क्रोशे वी स्टिच वो बनाऊंगी, फिर 1 2 और ये तीनों डबल क्रोशे, वंस अगेन 1 2 और ये 3, फिर से 1 2, इसी तरह फिर से रिपीट हम करेंगे। ये जो हम पहले हमने रिपीट किया था यही 3 डबल क्रोशे 2 चेन सिंगल क्रोशे
टू चेन, सिंगल क्रोशे टू चेन, थ्री डबल क्रोशे, फिर टू चेन, डबल क्रोशे बनाना है थर्ड चेन में तीन की, फिर थ्री चेन, सेम चेन में डबल क्रोशे, फिर टू चेन और फिर थ्री डबल क्रोशे, और फिर वही चीज़ रिपीट करके हमने यहाँ पे थर्ड चेन में एंड करना, थ्री डबल क्रोशे फिर से वन स्केन बनाना। राउंड कंप्लीट कर लिया, अब मैं नेक्स्ट राउंड पे मैंने वही थ्री डबल क्रोशे बना लिया हुआ है, अब मैं थ्री चेन बनाऊँगी, वन टू थ्री, ये मिडल वाले स्पेस में मैं सिंगल क्रोशे बनाऊँगी, वन टू थ्री, ये तीन डबल क्रोशे पे स्टिचेस पे तीन डबल क्रोशे, वन टू और ये थ्री, अब वन टू थ्री, इसके अंदर स्पेस के अंदर सेवन डबल क्रोशे, वन टू थ्री फोर फोर ये फाइव सिक्स और ये सेवन, फिर तीन चेन, वन टू थ्री और इसमें तीन डबल क्रोशे, वन टू और ये थ्री। ये देखें, ये मैं फिर से वहीं पर आ गई हूँ, ये फिर से वही स्टार्ट हो गया, उसी तरह यहाँ पे भी थ्री डबल क्रोशे, थ्री चेन, उसमें सिंगल क्रोशे, फिर थ्री चेन, तीन डबल क्रोशे, फिर थ्री चेन और इसके अंदर सेवन डबल क्रोशे स्पेस के अंदर, फिर थ्री चेन और थ्री डबल क्रोशे, इसी तरह बना के इसको हम एंड करेंगे थर्ड चेन में, ये राउंड थर्ड चेन में एंड होगा और फिर से हम तीन डबल क्रोशे पे नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। राउंड सिक्स, चेन थ्री, यही तीन डबल क्रोशे, दो तीन, चेन वन, और ये पूरा हम स्किप करेंगे और डायरेक्टली ये जो नेक्स्ट थ्री डबल क्रोशे की थी स्टिचेस उसमें तीन डबल क्रोशे बना लेंगे, वन टू थ्री, इसके बाद चेन टू, वन टू, ये पहली डबल क्रोशे जो मैंने सेवन बनाए थे उसकी पहली डबल क्रोशे में एक, फिर चेन टू, नेक्स्ट डबल क्रोशे में डबल क्रोशे, चेन टू, हर डबल क्रोशे पे एक डबल क्रोशे विथ चेन टू स्पेस, इसी तरह पूरी सेवन स्टिचेस पे मैंने बना लिया, फिर चेन टू, ये थ्री डबल क्रोशे आ गया इन तीनों पर, एक बना लिया, फिर चेन वन और डायरेक्टली ये स्किप करके इन पे चेन थ्री बना दी, सॉरी डबल क्रोशे स्टिचेस पे तीन डबल क्रोशे बना लिए, इस तरह से यही चीज़ अब हमने रिपीट करनी जैसे मैंने यहाँ पे रिपीट की है कि थ्री डबल क्रोशे, चेन वन, फिर थ्री डबल क्रोशे, डायरेक्टली ये सब स्किप होगा, फिर चेन टू और डबल क्रोशे और हर स्पेस पे टू चेन, डबल क्रोशे, टू चेन, डबल क्रोशे, एंड में भी टू चेन, फिर थ्री डबल क्रोशे, और यही हम लोग पूरा राउंड लेंगे और
उसके बाद टू चेन के साथ हम लोग थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करके इस राउंड को एंड कर देंगे, राउंड नंबर हमारा 6। और मैं अब हूँ नेक्स्ट राउंड पे, राउंड नंबर 7। इसमें मैं चेन 3 बनाऊंगी, डबल क्रोशे काउंट करता है। पहले स्टिच पे हाफ डबल क्रोशे, मैं ये सारा स्किप करूंगी, ये भी वाला डबल क्रोशे, बीच में स्पेस, ये भी वाला डबल क्रोशे, ये इसमें मैं डालूंगी, हाफ डबल क्रोशे बनाया, फिर से नई स्टिच उठाना, फिर हाफ डबल क्रोशे बनाया, और ये चारों में से मैं एक साथ बना लूँगी, ये इस तरह से बंद हो जाएगा। उसके बाद चेन 3, 1, 2, 3, दो दफ़ा यार्न ओवर यानी कि ट्रिपल क्रोशे के लिए, ये मैं हाफ बनाऊंगी ट्रिपल क्रोशे, फिर दूसरी दफ़ा मैं उसी स्पेस में से गुजारूंगी, फिर ट्रिपल क्रोशे, फिर से सेम स्पेस में से एक और बार हाफ ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी मैं। अब मेरे पास 4 स्टिचेस रह गए, 4 सॉरी लूप्स रह गए, एक साथ मैं इसे निकाल लूँगी। अब टू चेन जो है ये मेरी बेसिक चेन है, उसके बाद 1, 2, 3 मैं अपनी थर्ड चेन में 1, 2, 3 जो टू अब मेरे हुक से थर्ड चेन जो है उसमें मैं गुजार के अपना ये यार्न उठाऊंगी, बाहर निकाला और स्लिप स्टिच कर दिया, तो ये पिकट स्टिच होती है, ये बन गई। ये मैंने फिर से 2 चेन बनाई, 2 दफ़ा यार्न ओवर किया, नेक्स्ट स्पेस पे फिर से वही हाफ ट्रबल, एक और बार हाफ ट्रबल, और फिर एक और बार, 3 दफ़ा मैं हाफ ट्रबल बनाऊंगी, 4 लूप्स रह गए, चारों में से एक साथ गुजार दूंगी मैं। निकाल दिया, फिर वही 1, 2 ये मेरी बेसिक है, उसके बाद 1, 2 और ये 3। मैं एक और बार पिकट बनाना दिखाती हूँ, हुक में से काउंट करें 1, 2, 3, थर्ड चेन में मैं ये डालूँगी हुक, दूसरी तरफ से मैंने यार्न वापस लिया और स्लिप स्टिच कर दिया इसमें से, ये मेरा पिकट की स्टिच बन गई। फिर से मैं चेन 2 करूँगी, 1, 2 और यही मैं रिपीट करती रहूँगी आखिरी मेरे जो स्पेस थी इसके अंदर तक। ये देखिए ये मेरे बन गए, 6 मेरे बनेंगे इस तरह से क्लस्टर ट्रबल क्रोशे के। फिर से 3 चेन, 1, 2, 3 यार्न ओवर, ये मेरे 3 स्टिचेस आ गए डबल क्रोशे के। पहले 2 स्टिचेस में से मैं हाफ डबल निकालूंगी, 1, 2 और मैं ये 1, 2, 3 स्टिचेस स्किप करके नेक्स्ट उसमें जाके लास्ट 2 डबल क्रोशे पे हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी। मेरे पास देखिए 5 आ गए लूप्स, इसमें से एक साथ निकाल लिए। तो यही सेम चीज़ हम बनाते जाएंगे इसी तरह, हर ट्रबल इस पे जो है हमने 3 ट्रबल क्रोशे क्लस्टर बनाना है, और दरमियान में ये पिकट की स्टिच होती है ये हम बनाएंगे, और कॉर्नर पे यही हम लोगों ने 2 डबल क्रोशे और यहाँ से और लास्ट के 2 डबल क्रोशे
हाफ बनाकर ये हमने एक साथ ज्वाइन कर देने हैं। तो यही हम बनाकर पूरा राउंड इसको यहाँ पर एंड कर देंगे, स्लिप स्टिच करेंगे इसमें। ओके जब ये हम लोग बना लेते हैं ये पूरा, तो हमने फिर ये स्क्वायर्स का ये हमने बनाना है एक नेट सा। ये मैं आपको अभी बनाना सिखाती हूँ। ये मैंने ये जो ऊपर वाला इसका एक जो मेरा ये रो था डबल क्रोशे चेन वन डबल क्रोशे की, उससे ये उठाया हुआ मैंने। तो उसी तरह मैं आपको अब इस पर बताती हूँ। मैंने इस वजह से ये चाहा कि इस पर बनाऊँ ताकि आपको अलग कलर पे नज़र आए साफ। ये भी वही चीज़ है, देखिए कि मैंने डबल क्रोशे चेन वन बनाई हुई है, इसी पे मैं ये बनाऊँगी ताकि आप लोगों को ये ज़्यादा साफ़ दिख सके। आप लोगों ने इसी तरह बनाना है। पहले सबसे पहले वो उधर ही हम लोग चले जाएंगे जहाँ से हमारा ये एंड हुआ हमेशा काम और स्टार्ट भी होता है। ये थ्री चेन नज़र आ रही होगी आपको, ये थ्री चेन का काम चल रहा है। हमने इसी पे उठाना ताकि यहीं पे कंटिन्यू रहे काम मेरा। तो हम इस पे जो है पीछे से यहाँ इस तरह से मैंने ये स्लिप नॉट लिया हुआ है और मैं स्लिप नॉट इसमें इंसर्ट कर रही हूँ हुक पहले वाले डबल क्रोशे में। और इस तरह से निकाला, फोर चेन बनाई, 1 2 3 4। ये काउंट करती है डबल क्रोशे चेन वन। अब मेरा ये देखिए पहला जो डबल क्रोशे है यहाँ, इस पे मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगी ऐसे। आप जब फ्रंट से देखेंगे ना तो ये देखें ऐसे नज़र आएगा। मैंने यहाँ से हुक निकाला है और दूसरी तरफ यहाँ से निकाल लिया और मैं यहाँ पर ऐसे डबल क्रोशे बना लूँगी। फिर से चेन वन, मेरा नेक्स्ट डबल क्रोशे आ गया। नेक्स्ट डबल क्रोशे पे भी इसी तरह ये देखें फ्रंट से, ये देखिए मैंने फ्रंट पे यहाँ पे डाला हुआ। मतलब कि हर मैंने डबल क्रोशे पे एक डबल क्रोशे चेन वन स्पेस बनाई जाना है। देखिए नेक्स्ट आ गया, आई होप आपको नज़र आ, ये रहा इधर से हमने इंसर्ट किया, दूसरी तरफ से निकाला, बहुत आराम से हो जाता है ये। और इसी तरह ये अब पूरा सर्कल में मैं स्क्वायर बनाकर यहाँ पे थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर दूंगी और ये वाले रो मैं 7 टाइम्स बनाऊंगी, यानी कि इसको मिला के 7 होंगे। इसके अलावा यानी कि मैं इसके अलावा 6 बनाऊंगी और इसको मिला के टोटल 7 रोज़ होंगे। जैसे ये देखें ये बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7। और फिर मैं इसको स्टार्ट करूंगी फिर से यही राउंड। ओके ये देखें ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। मैंने 7 रोज़ बना लिए, मैंने आपको बताया था 7 रोज़ बनाएंगे। ये इस तरह से इसके ऊपर आ जाएगा। अब हमारा अगला जो रो होगा इसके बाद वाला, वो ये वाला रो होगा डबल क्रोशे स्टिच पे और स्पेस के अंदर एक डबल क्रोशे फिर डबल क्रोशे स्टिच पे। यानी कि हमने राउंड इधर से लेकर इसके पूरे 7 राउंड तक इसी तरह बनाना है, इसके इधर से स्टार्ट करना है। और फिर वही आपने यहाँ से ज्वाइन करके नेक्स्ट रो पे बनाना है। या आप एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी कि एंड पे इसका कैसा नज़र आएगा। तो चलें एंड पे मिलते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा ये कंप्लीट हो गया। ये मैं पूरा नहीं दिखा सकती ऑब्वियसली कैमरे की छोटा होने की वजह से। मैं बता देती हूँ कि मैंने कितनी हाइट दी है। ये 6 से 7 ईयर्स की बच्ची आराम से पहन सकती है, 8 ईयर्स की बच्ची पहन सकती है, क्योंकि ये एक्रेलिक यार्न पे बना होता है, वूल यार्न पे, तो स्ट्रेच हो जाता है। अच्छा, इसकी टोटल हाइट जो है 27 है ऊपर टॉप से लेकर नीचे तक, और सेंटीमीटर्स में ये है 69 सेंटीमीटर्स। तो फ्रेंड्स ये एक बार देख लें, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें ये जो मैंने बनाया हुआ था, मैं बताती हूँ आपको कैसा ये लुक आता है। वैसे तो तस्वीरों में भी आपने देख रहा होगा। ये देखें ये इस तरह से इसकी ये नेट सा बन जाता है। इसकी वजह से ये थोड़ा सा उभरा हुआ फील होता है,
तो ये मैंने 1, 2, 3, 4, 5 और ये लास्ट मैंने एंड किया है इस पे वाई ऑफ वाइट पे 6। मैंने ये 6 बनाए हैं इसके, तो ये इसकी नेट की वजह से ना, ये जो मैं 7 रोज नेट के बना रही थी, एक डबल क्रोशे चेन वन डबल क्रोशे के जो कि मैंने 7 रोज बनाती थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इसका ये उभरा उभरापन जो है ना, ये फ्रिल का लुक देता है, तो ये बहुत खूबसूरत देता है। अगर आप ऑब्वियसली थोड़ा छोटा फ्रॉक बनाएंगी तो और अच्छा बनेगा, और अगर और छोटे हुक से बनाएंगी तो और ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा हुक कौन सा यार्न यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एक्रेलिक यार्न की बजाय थ्रेड यूज़ करते हैं या कॉटन यार्न यूज़ करते हैं, तो हर हर यार्न का एक अलग लुक होता है। मैंने तो एक्रेलिक यार्न यूज़ किया था, बारीक वाली क्रिस्टल इनकी है, सही वालों की है, एक्रेलिक यार्न ही बोलते क्रिस्टल हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी है, बारीक होती है। और ये कि गर्मियों में तो नहीं, ज़रा अच्छा स्प्रिंग वगैरह हो तो उसमें भी बच्चे को पहना सकते हैं, इतना मोटा नहीं होता ये, और क्योंकि काफ़ी खुला बनाया हुआ है तो ऑब्वियसली इतना प्रॉब्लमेटिक भी नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये पसंद आया होगा तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ ज़रूर आऊँगी और कोई अच्छी चीज़ लेकर आऊँगी, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें सिखाने को मिलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।